हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अतुल भाभी की। कौन सी सच्चाई छुपा रहा था? ट्रेन ट्रेन, अतुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी मोबाइल की घंटी बज गई। एक पल वो झुझला सा गया। ऑफिस में आज वैसे भी बहुत काम था, ऊपर से ये फोन। उसने एक उड़ती हुई नजर कलाई में बंधी घड़ी पर डाली। 10:15 बज चुके हैं। चिंता और परेशानी की लकीरें अतुल के माथे पर उभर आई। उसने जल्दी से दूसरे पैर को भी जूते में घुसाया और शर्ट की ऊपर की जेब में रखे मोबाइल को टटोला। सुशीला भाभी इस वक्त, वह भी इतने दिनों बाद, न जाने क्यों अचानक से दिल की धौकनी की रफ्तार बढ़ गई थी। जब से भैया इस दुनिया से गए हैं, तब से एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया था। अतुल वही पास पड़े सोफे में धस गया। हेलो अतुल भैया, मैं बोल रही हूँ। प्रणाम भाभी, कैसी हो आप? घर में सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, पर दिनेश, क्या हुआ दिनेश को? सब ठीक तो है ना भाभी? भाभी का गला दिनेश का नाम लेते ही न जाने क्यों रुंध गया। सुशीला भाभी नकुल भैया की पत्नी थी। आज से लगभग 7 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में भैया की मृत्यु हो गई थी। घर भर में खुशियों का दीप जलाने वाले भैया की तस्वीर के आगे दीपक जलता देख न जाने क्यों कलेजा कट कर रह जाता था। भैया अपने पीछे भाभी और 3 बच्चों को छोड़कर गए थे। भैया की अचानक हुई मृत्यु से भाभी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। 2 बच्चे स्कूल जाते थे और दिनेश ने अभी पिछले साल ही कॉलेज में प्रवेश लिया था। भैया अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। भैया एक सरकारी महकमे के में प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। घर में सुख सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध थी। भाभी पहनने ओढ़ने और घूमने की बहुत शौकीन थी। जब भी वे कहीं से घूम कर आती तो वहां से की गई खरीदारी और बातों का पुलिंदा लेकर निशा के पास बैठ जाते। अतुल एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक की नौकरी कर रहा था। वैसे तो किसी भी चीज की कोई कमी न थी, पर भैया जैसे ठाट बाट भी नहीं थे। भैया की शानो शौकत और लाल बत्ती गाड़ी देखकर निशा अक्सर मुझसे लड़ने बैठ जाती। पर हेलो हेलो भैया, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? अतुल जैसे सोते से जागा। जी भाभी। पता नहीं भैया, दिनेश को क्या हो गया है, दिन भर गुमसुम सा बैठा रहता है। कुछ पूछो तो फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने सोचा कि ऑफिस की कोई परेशानी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस बात को 15-20 दिन हो गए, पर कुछ भी सुधार नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं। रात रात भर न जाने क्या सोचता रहता है। भाभी धीरज रखिए, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी इधर बोर्ड के इम्तिहान में ड्यूटी लग जाने से बिजी था, आपको फोन भी नहीं कर पाया। पर आपको तो करना चाहिए था, अतुल ने कुछ शिकायती लहजे में कहा। अतुल की आवाज सुनकर निशा भी कमरे में आ गई। भाभी का स्वर मध्यम पड़ गया। अतुल भैया, दिनेश की हालत सुनकर मेरे मम्मी पापा से रहा नहीं गया। वे तो 1 हफ्ते से यहीं पड़े हैं और परसों घबरा कर मेरा भाई भी आ गया। भाभी की बात सुनकर अतुल के दिल को बड़ा धक्का लगा।
भाभी उसे 5 किलोमीटर की दूरी पर सूचित नहीं कर सकी और वहां उनके माँ बाप और भाई 300 किलोमीटर की दूरी से आ गए। क्रोध का बुलबुला जितनी तेजी से उभरा उतनी ही तेजी से न जाने कहां लुप्त हो गया। ठीक है भाभी, मैं शाम को आता हूँ, कहकर अतुल ने फोन रख दिया। निशा की तीर सी निगाहें उसके ऊपर ही थी। कुछ देर तक वह अतुल को ही देखती रही। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो भाभी के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहा था। बच्चे तो उस वक्त छोटे थे, पर भाभी वो कैसे सब भूल गई। कभी भूल से भी वे फोन भी नहीं करती। तो कब जा रहे हैं, उसकी कथन में एक व्यंग्यात्मक चुभन थी। अतुल शायद उसकी सवालिया आंखों से बचना चाहता था। उसने सिर झुकाए हुए ही उसके सवाल का जवाब दिया। निशा, दिनेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, भाभी काफी परेशान है, मुझे जाना। क्यों, मायके वाले कहाँ हैं? हम में से पहले तो उनको खबर की जाती है। आज क्या हुआ? निशा, तुम औरतों को कुछ समझ नहीं आता, ना समय देखती हो और ना मौका, जब देखो तब शुरू हो जाती हो। दिक्कत होगी तभी फोन किया है। निशा अतुल की बातों को सुन तिलमिला सी गई। तुम मर्दों के भी समझ में कुछ नहीं आता, कल तक भाभी ऐसी हैं वैसी हैं, आज वही बात मैंने कह दी तो गलत हो गई। 20 साल गुजार दिए आपके साथ, पर जब खुद के परिवार की बात आती है तो मैं बाहर वाली ही बन कर रह जाती हूँ। निशा लगातार बड़बड़ा रही थी, पर अतुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अतुल ने मोटरसाइकिल की चाबी उठाई और ऑफिस की ओर चल दिया। आज ऑफिस में काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। भाभी की आवाज कानों में गूंज रही थी, भैया दिनेश की तबीयत ठीक नहीं है। अतुल की आंखों के सामने 7.5 साल पहले का वह मंजर एक बार फिर घूम गया, जब भैया की मृतदेह पर पछाड़े खाती हुई भाभी और बच्चों ने उससे पूछा था कि अब उनका क्या होगा। भैया की इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाने के लिए अतुल को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े थे। दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते उसके जूते घिस गए थे। अफसरों के हाथ पैर जोड़ जोड़ कर किसी तरह दिनेश की मर्सी ग्राउंड पर नौकरी लगवाई थी, पर आज तबीयत ठीक न होने का बहाना करके अतुल ऑफिस से जल्दी ही निकल गया था। अतुल ने मोटरसाइकिल भाभी की तरफ मोड़ ली। अतुल भाभी के घर पहुंचा तो घर के गेट पर से ही लोहबान और अगरबत्ती की महक आ रही थी। घर में पूजा है और भाभी ने हमें बुलाया तक नहीं, एक विचार ने उसके दिमाग में जन्म लिया ही था। उसने सिर झटक कर उसे वही गेट के बाहर छोड़ दिया और अतुल धड़धड़ाते हुए घर में घुस गया। घर का मंजर कुछ और ही था। दिनेश आंखें बंद किए बैठा था और पंडित जी जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर आहुतियां हवन कुंड में डाल रहे थे। यह मंजर देख अतुल कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। तभी भाभी की नजर
अतुल पर पड़ी और वह उसे दूसरे कमरे में लेकर चली गई। नकुल भैया फोटो फ्रेम में मुस्कुरा रहे थे। अतुल कुछ पूछता उससे पहले हाथ में पानी का गिलास पकड़ाते हुए भाभी ने कहा, मेरी मम्मी ने पंडित जी को दिखाया था तो उन्होंने बताया कि किसी बाहरी हवा के प्रभाव से दिनेश की यह हालत हो गई है, शायद किसी ने कुछ कर दिया है। भाभी की निगाह में एक अजीब सा संदेह था, जैसे वह अतुल से ही कुछ पूछना चाह रही हो। अतुल ने वितुष्णा से मुंह फेर लिया। अतुल सोच रहा था कि अच्छा हुआ निशा को साथ नहीं लाया, वरना वह तो तभी पंडित जी ने आरती के लिए पुकार लगाई। उनकी पुकार सुनकर अतुल भी सभी के साथ आरती में शामिल होने के लिए उठ गया। प्रसाद वितरण के साथ सभी अपने अपने कामों में लग गए। अतुल ने भैया के सास ससुर के पैर छुए और उनके पास ही बैठ गया। भाभी चाय बनाने चली गईं और भाभी के माता पिता बुढ़ापे का रोना रोकर कमरे में आराम करने चले गए। अतुल बैठक में अकेला ही रह गया। कितना बदल गया था सब कुछ। जिस घर में हंसी के ठहाके लगते थे, आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी अजनबियत का एहसास हो रहा था। निशा और वह भैया के जीवित रहते हमेशा आते रहते थे, पर वक्त के साथ कितना कुछ बदल गया था। भैया की तस्वीर अचानक से उसे धुंधली सी दिखाई देने लगी थी। तभी किसी के पैर की आहट के आभास से वो सतर्क हो गया और पैंट की बाई जेब से रुमाल निकालकर आंखें पोंछ ली। यह तो दिनेश था। फूल सा चेहरा कुम्हलाकर छोटा सा हो गया था। अभी कुछ ही दिन पहले तो वह बाजार में मिला था। अतुल जब भी उसे देखता था तो उसे भैया की याद आ जाती। भैया के न जाने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए, पर आज वह उनकी जगह पर कलर्की कर रहा था। यह सोचकर अतुल का मन न जाने कैसा हो गया। कैसे हो दिनेश? न जाने क्या सोचकर उसकी आंखें भर आई। अतुल ने बड़ी प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत दिनों से दिल में घुमड़ता हुआ दर्द का सैलाब आज सारे बंधन को तोड़कर निकलने को बेताब था। दिनेश फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर तक वह वैसा ही रोता रहा। अतुल ने भी उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया। उसकी हिचकी बंद गई थी। अचानक से वह उठा और कमरे के बाहर चला गया। अतुल वहीं देर तक असमंजस की स्थिति में बैठा रहा। तभी दिनेश हाथ में कागज का एक टुकड़ा लेकर अतुल के पास आया और बोला, चाचा जी, ये ऑफिस से 20 दिन पहले एक पत्र आया था। पापा की मृत्यु के 7.5 साल हो गए हैं। अजेश और ब्रिजेश भी अब बालिग हो गए हैं। पापा की पेंशन अब आधी हो जाएगी। इस महंगाई के दौर में आधी पेंशन और मेरी नाम मात्र की तनख्वाह के साथ दो बेरोजगार भाइयों और एक विधवा माँ का गुजारा भला कैसे होगा? अतुल निशब्द उसे देखता रह गया।
शायद उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।